नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए आज एक और नई वीडियो, एक और नई लॉन्च। आई मीन 2023 से तो भैया गाड़ियों की लॉन्चेस जो है वो लाइन से लग गई हैं। आपके सामने है द 2023 ब्रांड न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। मैं बताऊंगा इस गाड़ी में सारे फीचर्स, सारे स्पेक्स, आपको करूंगा इसका क्विक वॉक अराउंड, करूंगा हल्की फुल्की रिव्यू, बताऊंगा कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स। एंड माइंड इट, जो लास्ट वाला जो कॉन है इस वीडियो का वो सुन के आपके शायद होश उड़ जाए, और वो कॉन है इसकी नई फीचर जो है आपकी इसकी पैनोरामिक सनरूफ के बारे में। अदरवाइज ओवरऑल गाड़ी देखने में मुझे बड़ी अच्छी लगी है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन सबसे जरूरी है अपने व्यूअर्स के लिए वो मैं दे देना चाहता हूँ। मेरे सामने जो मॉडल खड़ी है वो है इसकी जीटी लाइन 1500 सीसी, जो डीजल इंजन की आती है, टर्बो चार्ज वाली, वो वाली वेरिएंट है। दिस इज योर ऑटोमेटिक। सो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो पहले वाली जो मॉडल थी वो कुछ 17-18 लाख की पड़ती थी ऑन रोड, तो ये वाली कुछ 1-1.5 लाख रुपया महंगी पड़ने वाली है जैसा शोरूम वालों ने क्लेम किया है। प्राइसेस अभी तक रिवील हुई नहीं है तो ये बहुत ही अप्रोक्सीमेशन है गाइस। सो एग्जैक्ट प्राइसेस जब आएंगे मैं आपको तब एक ड्राइव रिव्यू कर लूंगा और ज्यादा भी इन्फॉर्मेशन भी आपके संग शेयर कर लूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो इस बार हमें कुछ अलग सी यहाँ पे चाबी देखने को मिली है, जहाँ पे लॉक अनलॉक गाड़ी को स्टार्ट करने का और टेल गेट खोलने का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक की। सो गाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ हाउ डिफरेंट डू यू फील, इज इट गोइंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द प्रीडेसेसर व्हिच वाज योर लास्ट किया सेल्टोस। देखो लुक्स में डेफिनेटली काफी चेंजेस आए हैं, उसको हम डिटेल्स में आपके संग जरूर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी हेडलाइट पे। तो ये है इसकी हेडलाइट जो आपको पूरी एलईडी सेटअप में मिल जा रही है, और ये नया सा जो अपना डीआरएल्स है वो देखने को मिल जा रहा है जो पूरा यहां तक आता है, और लेफ्ट साइड से भी अगर हम देखें डीआरएल आता है कुछ यहाँ मिलता है जो किया की बैजिंग है, और ये क्रोम में इसकी जो कुछ इंसर्ट्स आते हैं वहां आके छूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर पूरा का पूरा इन्होंने कंबाइन कर दिया होता तो शायद लुक और ज्यादा डिफाइंड हो जाते, थोड़ा सा हम कह पाते कि हाँ भैया लुक में कुछ तो अलग हुआ है। बट आई कैन अंडरस्टैंड वाई इन्होंने नहीं किया है, बिकॉज ये जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है इसका यहाँ पर जो आ रहा है, और ये इसकी ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिश में नई सी जो ग्रिल है वो हमें देखने को मिल जाती है, गाड़ी को डेफिनेटली एक बहुत ही मतलब कि माचो लुक प्रोवाइड कर रही है। रोड प्रेजेंस डेफिनेटली अच्छा होगा, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे ज्यादा भी कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है पुरानी वाली सेल्टोस से, बट हाँ एज आई सेड डिफरेंस तो है। आइए नजर डालते हैं इसकी फॉग लैंप पे। तो यहाँ पे हमें एलईडी में फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे टोइंग हुक जो है वो देखने को मिल जाता है, ये आपकी नंबर प्लेट का ऑप्शन, और यहाँ पर अगर नीचे डालो तो ये आ गया इसका एक नया फीचर जो है ADAS लेवल 2 का, आपको यहाँ पर रेडार जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे हमें जो लेन कीप के जो सेंसर्स है वो देखने को मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स के सेंसर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं इसकी ये बड़ी सी जो सामने का जो लुक है बहुत ही बॉक्सी लुक देता है इस गाड़ी को, जो एक सुंदर सी SUV की डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है वो थ्रू आउट द कार दी गई है, बट ये स्किड प्लेट्स जो यहाँ पर कुछ आई बिलीव दिस इज शैंपेन गोल्ड टाइप की फिनिशिंग में यहाँ पे इसकी जो स्किड प्लेट दी गई है वो इस पर्टिकुलर कलर जो ग्रीन सा जो कलर लग रहा है उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। I just can't stay without talking about this beautiful rain wipers. I mean, aero twin wipers तो आजकल कॉमन होने चाहिए, जो हर गाड़ी में मिलने चाहिए। This is approximately 20 से 21 लाख की गाड़ी होगी guys. It deserves an aero twin wipers. साथ ही मैं बात करें अगर गाड़ी के डायमेंशन की, जो हम आपको डिटेल्स में आगे में और बताएंगे, बट जो इस गाड़ी की विथ है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 1800 mm की विथ होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। चलिए चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे और नजर डालते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है, बट सबसे पहले आइए नजर डालते हैं टायर प्रोफाइल पे। सो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है 215/55R18। सो टायर की जो प्रोफाइलिंग है गाइस वो बहुत ही छोटी हो गई है, आपको जो 18 इंच के
एलॉय व्हील्स हैं ब्यूटीफुल से वो देखने को मिल जा रहे हैं। टायर प्रोफाइल 18 इंच का जो है उससे मेरे को एक प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर लगी कि एक एसयूवी में आपकी क्लैडिंग और चक्के के बीच में जितनी गैपिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी मेरे पर्सन के हिसाब से थोड़ा कम है। स्पेशली नॉट जस्ट फॉर फ्रंट, हम जब रेयर में जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। बट आइए नजर डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें डिस्क ब्रेक का पूरा मिल जाता है। बट वन थिंग टू नोटिस गाइस, इवन दो दिस इज अ जीटी लाइन, इसके जो ब्रेक कैलिपर्स है वो रेड में कलर नहीं किया गया है। इनफैक्ट गाड़ी में कहीं पर भी रेड इंसर्ट्स का यूज नहीं किया गया है, विच आई डोंट नो हाउ यू वुड फील अबाउट इट इफ यू बाइंग अ जीटी लाइन। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ। आइए देखते हैं बॉडी क्लैडिंग। तो बॉडी क्लैडिंग जो है वो गाड़ी के पूरे फ्रंट से लेके बैक तक कंसिस्टेंटली जाती है, गाड़ी को बहुत अच्छा स्टर्डी लुक प्रोवाइड करती है। एज आई सेड, बहुत ही बॉक्सी शेप है इस गाड़ी का, तो एक एसयूवी-ish लुक जरूर मिलती है। बट देखिए यहाँ पर पीछे में भी हमें जो है वो छोटी सी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जा रही है। गुड थिंग इट्स नॉट अ ड्रम, इट इज अ डिस्क, दैट इज डेफिनेटली अ प्लस। बट अगेन 18 इंच टायर प्रोफाइल होने की वजह से इसकी जो गैप है क्लैडिंग और टायर के बीच में वो बहुत ही छोटा हो जाता है। मैं देख रहा था पीछे में जब हम कोई बैठते हैं तो गाड़ी जो है ना वो और भी थोड़ी सी इसकी गैप कम हो जाती है। तो ऑफ रोडिंग में वो कितना हेल्प होगा वो तो प्रैक्टिकली जब गाड़ी मार्केट में उतरेगी, जब ये आएगी रोड पर, तब हमें पता चलेगा। ऑल्सो सेल्टोस हैज बीन नोन फॉर इट्स हार्ड सस्पेंशन। फिर अपनी नजर जाती है इसकी ORVM पे, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ये GT लाइन का जो टॉप वेरियंट डीजल वाला, यहाँ पे हमें 360 डिग्री कैमरा का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल जो क्रोम इंसर्ट्स है वो थ्रू आउट बॉडी में रन करती है, जो बहुत ही गाड़ी को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। ए पिलर जो है वो पियानो बैक में आता है, बट बी पिलर एंड सी पिलर आपका मैट ब्लैक में रहता है। और यहाँ पे हमें और भी थोड़ी सी विजिबिलिटी और एयर रूमिनस गाड़ी की बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड की गई है। डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम फिनिश में हमें चारों डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड में हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रोवाइड हो जाता है। डायमेंशंस की बात करें गाइस, सो दिस वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर। सो हमें अप्रोक्सीमेटली कुछ 4300 mm का लेंथ है गाड़ी का वो मिलने वाला है, कुछ 2600 mm का हमें जो व्हील बेस है वो देखने को मिलना है, और हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1650 की जो होती है हमें वही देखने को मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द हाइट, वो ज्यादा एनहांस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रूफ रेल जो फंक्शनल नहीं है। बट ये देखो गाइस, ब्यूटीफुल सी पैनोरामिक सनरूफ। गाड़ी के जब हम अंदर जाएंगे तब बताएंगे कि ये कितना सुंदर लुक प्रोवाइड करती है। बट इट इज वेरी बिग गाइस, बट इट हैज अ मेजर 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 फ्लॉ जो गाड़ी के आखिर में मैं आपको जरूर बताऊंगा जब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा सा कवर करेंगे। आइए फिलहाल चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली गाइस एक मैसिव चेंज आया है जो इसकी टेल लैंप पे है। पूरा का पूरा LED सेटअप में हमें टेल लैंप मिल रहा है, जो बहुत ही स्ट्राइकिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है इस कार को। बिकॉज अब ये एंड टू एंड, यहाँ से लेके एंड तक जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि किया की जो बैजिंग है वो है, उस वजह से छूट गया है। अगर कवर कर देते तो अगेन मुझे पर्सनली मजा आता, जैसे कि इनकी सोनेट में है, जैसे कि ग्रैंड आई10 नियोस में है। मुझे पर्सनली वो पूरा एंड टू एंड जो जाता है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द टेल लाइट्स ऑफ द फेसलिफ्ट किया, हमारे पास में वी आर लकी कि इसी शोरूम में एक दूसरी प्रीडेसेसर है, उसकी जस्ट डिलीवरी हो रही है, तो आपको एक कंपैरिजन इजीली देखने को मिल जाता है। ये इसकी पिछली वाली टेल लाइट्स जो है वो थी, और ये इसकी जो नई वाली टेल लाइट्स जो है वो है। तो जैसा मैंने आपको कहा, एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है पुरानी वाली से नई वाली में। और यहाँ पे बड़ी सी सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है, जीटी लाइन की बैजिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये सेलिका ऑटो जो आपका शोरूम है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, बट यहाँ पर भी अपने स्क्रीन पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। सॉल्ट लेक में अगर कैलकाटा में आप रहते हो तो यू कैन कम ओवर हियर एंड बुक योर कार। इसके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है शुभांकर जी, उनका नंबर और कॉन्टैक्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और अपने स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल ही जा रहा होगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, इज अ वेरी हेल्पफुल गाय। आइए कंटिन्यू करते हैं इसके बैक प्रोफाइल से। तो यहाँ हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, ये जो ब्यूटीफुल सी एक स्पॉयलर है वो देखने को मिल जाती है जो इंटीग्रेटेड है। हाई माउंट स्टॉप लैंप हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, डिफॉगर्स, वाइपर्स एंड वॉशर भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, विच इज अ ग्रेट प्लस। थोड़े और नीचे में नजर डालें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इसकी जो रेयर पार्किंग कैमरा है वो, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर्स है वो हमें देखने को मिल जाती है। रेयर पार्किंग लैंप जो है वो शायद से नहीं, वो हमें LED नहीं मिल रहा है, वो हमें नॉर्मल बल्ब हेलोजन में ही प्रोवाइड होता है। और ये सुंदर सी जो क्लैडिंग है गाड़ी को बहुत ही अच्छा स्टर्डी लुक प्रोवाइड कर रही है। चलिए चलते हैं इसके बूट पे।
21 लाख की गाड़ी यार, आजकल मेरे को मन करता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली ओपनिंग टेलगेट मिल जाए तो बात ही बन जाए, बट अप्रोक्सीमेटली 433 लीटर का हमें यहाँ पर बूट देखने को मिलता है, जहाँ पर एक हमें केबिन, जहाँ पे हमें बूट लैंप मिल जाती है, पीछे में हमें एक स्पीकर भी यहाँ पर जो सब वूफर है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक साइज छोटी, यस एक साइज छोटी 215 60x R17 हमें यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिल जाती है, जो नॉर्मल स्टील रिम में आती है, कुछ फर्स्ट एड किट और टूल किट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बड़ा ही फ्लैट बेड का यहाँ पर सेटअप है गाइस, जैसे कि आपकी क्रेटा में भी होता है, ह्यूंडई क्रेटा में, तो लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग ऑफ योर लगेज वुड बी वेरी इजी। यहाँ पे हमें पार्शल ट्रे भी बड़ी मजबूत सी देखने को मिल जाती है, और चलिए इसे हम अब बंद करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो गाइस, अगर अच्छी लग रही है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर कुछ चीज पे हम काम कर सकते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से अपना व्यू जो है वो शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इसकी रेयर प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो डोर है वो कितने डिग्री में खुल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 60 60 टू 70 डिग्री में इसका डोर खुलता है, तो मेरे ऐसे टॉल बंदे को एंटर करना और एग्जिट करना इज नॉट रियली डिफिकल्ट, बिकॉज इस गाड़ी की हाइट जो है वो भी अच्छी है। डोर पे नजर डाले तो ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक का सेटअप है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ये जो फिनिशिंग दी गई है विद दिस यू नो नॉन ग्लॉसी क्रोम फिनिश, बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा लुक दे रहा है। आई डोंट नो हाउ मच स्क्रैच विल दिस गेट व्हाइल यूजिंग इट, बट लुक तो बड़ा मजेदार दे रहा है। ये यहाँ पर हमें सॉफ्ट टच का यूज होता है, बट ये पूरा का पूरा हार्ड टच, हार्ड हार्ड प्लास्टिक हमें देखने को मिल जाता है। ये भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, और इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 स्पीकर का सेटअप किया गया है, जो बोस का है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। चारे के चारे विंडोज जो है वो पावर्ड होंगे, शायद ड्राइवर साइड है वो वन टच अप और डाउन दोनों होगा। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, बट होल्ड ऑन, यहाँ पे शायद इन्होंने स्किड प्लेट भी प्रोवाइड की है जो इल्यूमिनेट करती है, रात को अगर हम गाड़ी को देखेंगे तो शायद हमें समझ में आ जाएगा। सीट अपोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लेदराइट सीट की अपोल्स्ट्री दी गई है, जो परफोरेटेड टेक्सचर में हमें देखने को मिल जाती है। मिडिल आर्मरेस्ट जो है वो ट्विन कप होल्डर के संग आता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं, एंड थर्ड पैसेंजर के लिए हमें डेडिकेटेड 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाती है। चाइल्ड असोफिक्स की बात करें तो हमें इस साइड और दूसरे साइड में दोनों में हमें प्रोवाइड हो जाती है। बिफोर आई फॉरगेट, बूट स्पेस में इट ऑल्सो कम्स विद अ 60-40 स्प्लिट विच विल हेल्प यू इंक्रीज एंड यू नो मैनेज योर बूट स्पेस अकॉर्डिंगली। तो चलो सबसे पहला एंगल जो है सीट का वो ये आता है, बड़ा अपराइट सा पोजिशन में एंगल होता है, और फिर सेकेंड एंगल जो जाता है यहाँ पे पूरी की पूरी सीट जो है रिक्लाइन हो जाती है। चलो इसी बात पे सीट में बैठते हैं और देखते हैं इसका रिक्लाइन एंगल, बट सुनते हैं सबसे पहले डोर थर्ड। डोर थर्ड के मामले में गाइज ह्यूंडई किया टाटा दे ऑल आर गुड, बट एन कैप की जब बारी आ जाती है गाइज तब तो मतलब 3 स्टार 4 स्टार यही ये स्कोर कर पाते हैं। फिलहाल सेफ्टी की बात हम जरूर करेंगे, इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं स्टैंडर्ड हर एक मॉडल में, बट रिक्लाइन की बात करें गाइस तो रिक्लाइन तो बहुत अच्छा मिला है इस गाड़ी में, लॉन्ग ड्राइव पे जो पैसेंजर है उनको बहुत मजा आने वाला है। लेग रूम की बात करें तो सामने वाली सीटें मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है विच इज 6 फीट, उसके बावजूद भी हमें जो नी रूम है वो एडिक्वेट मिल रहा है। आई वुडंट से इट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर कोई बड़े आराम से बैठना चाहे जैसे कि मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ तो मेरा जो नी है वो डेफिनेटली इससे टच कर जाएगा। सो आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर विद अ 2600 mm अप्रोक्सीमेटली व्हील बेस, आई थिंक स्पेसिंग कुड हैव बीन मच बेटर ओवर हियर। यहाँ पे हमें मैगजीन होल्डर मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक का हमें यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है, बिकॉज सामने वाली सीट जो है वो वेंटिलेटेड होती है, इसलिए जनरली ये हार्ड प्लास्टिक हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें जो AQI मॉनिटर वो मिल जाता है, प्लस एयर प्यूरीफायर इसके संग जो आता है वो हमें मिल जाता है। AC वेंट्स हमें यहाँ प्रोवाइड होते हैं, बट AC वेंट्स के कोई कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को शायद से नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें 2 टाइप C के हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं और कुछ और स्पेस मिल जाता है फोन रखने के लिए। यहां पर हमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं विद द केबिन लाइट्स ऑन बोथ साइड्स। सीट कंफर्ट की बात करें गाइस, कुशनिंग बहुत अच्छी है, थाई सपोर्ट की बात करें तो एडिक्वेट है। आई वुडंट से इट इज द वर्स्ट और द इट इज बैड, आई वुड से इट्स एडिक्वेट बिकॉज इसका रिक्लाइन एंगल जो है वो अच्छा है, तो सीट कंफर्ट को मैं थम्स अप देना चाहूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल पैनोरामिक सनरूफ, इट इज मैसिव,
इट इज मैसिव। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, हिल्स पे जाओगे, तो यार मजे ही आ जाएंगे आपको, ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिलेंगे। बहुत ही बड़ी सी है, जब हम सामने जाएंगे तो हम इसको खोल के देखेंगे कि कितनी बड़ी हमें यहाँ पर किस कितने एंगल पे ये सनरूफ खुलती है, या कितनी वाइड ये सनरूफ है जो वो खुलती है। आइए चलते हैं इसकी फ्रंट सीट पे और सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी डोर पर। तो यहाँ हमें पूरा का पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक का हमें ये सेटअप मिलता है, बट क्योंकि ये एक 8 स्पीकर सेटअप है, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पर हमें ये ट्विटर सेटअप मिल जाता है, और ये सुंदर से ग्लॉसी फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश में हमें यहाँ पर भी डोर हैंडल्स और डोर लॉक मिल जाते हैं। ये जो है ये आपका सॉफ्ट टच में आ जाता है, एल्बो जो रखने की जगह है वो भी सॉफ्ट टच में आती है। ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक एंड ऑल 4 विंडोज आर पावर्ड। 1 लीटर की बॉटल हमें यहाँ पे आराम से रखने का ऑप्शन मिल जाता है। सीट में, फ्रंट सीट में जाने के पहले यहाँ पर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इलेक्ट्रॉनिकली 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सुनते हैं इसके सामने वाले डोर की थर्ड, डोर थर्ड इज वेरी गुड, काफी इंप्रेसिव डोर थर्ड है यार। सो गाइज, वी आर फाइनली हियर इन द फ्रंट सीट ऑफ द 2023 किया सेल्टोस फेस लिफ्ट। चलो, इन ऑर्डर टू गिव यू अ बेटर एंगल, माई गॉड, दिस सीट कैन रियली गो फार। आई मीन, मैं 6 फीट का हूं और ये सीट जितनी पीछे गई है उसके बाद मेरे पांव मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं टू ड्राइव एंड टू ब्रेक द कार। हाथ तो बिल्कुल ही पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, सो आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, आई डोंट नो हु विल सिट हियर, समवन हैज टू बी रियली 7 फुट टू यू नो टू यूज दिस काइंड ऑफ अ रिक्लाइन ऑन दिस कार। बट एनीवेज, मैंने इसलिए यूज किया कि मैं आपको सामने का एंगल अच्छे से दिखा पाऊं। तो ये है इसकी डैशबोर्ड, हाउ awesome is this guys, 10.25 inch या 10 approximately 10 inch का दो हमें स्क्रीन मिल रही है, जो यहाँ पर curved स्क्रीन जो है वो आ रही है, काफी ड्राइवर सेंट्रिक की स्क्रीन है। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का सेटअप है वो, और ये MID का सेटअप है जो पूरा का पूरा यू नो डिजिटल में आपको देखने को मिल जाता है। उसके ठीक ही नीचे यहाँ पर हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC का सेटअप मिल जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, और और हमें यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पे सेटअप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के है वो देखने को मिल जाता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ प्लस। वेट अ सेकेंड, दिस लुक्स लाइक अ डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC। यहाँ पर आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। और बात करें इसकी डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे हमें हार्ड प्लास्टिक का सेटअप मिलता है, बट ये जो है ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट प्लास्टिक, जस्ट लाइक योर प्रीवियस सेल्टोस, जो हमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट सेंटर कंसोल की बात करें गाइज, यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट मिलता है जो डिसेंट सी स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लगा इस कार में, वो है ये एक प्रीमियम से लुक में इन्होंने जो कप होल्डर्स दिए हैं वो, यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिस इज वन ऑफ दी क्या कहते हैं उसको, ईस्टर एग्स या फिर हिडन फीचर्स ऑफ दिस न्यू 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें ऑटो होल्ड का बटन देखने को मिल जाता है, कुछ और स्पेस मिल जाती है फोन या वॉलेट रखने के लिए। ये क्योंकि आपका ऑटोमेटिक कार है तो यहाँ पे हमें गियर शिफ्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। साथ में हमें सामने की दो सीट जो है वो वेंटिलेटेड मिल जाती है। ये 360 डिग्री कैमरा का व्यू है, हमें वो देखने का यहाँ पर बटन मिल जाता है। ये आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमें ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के सेटअप भी मिल जाते हैं, जो टॉगल कर करके हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ग्लव बॉक्स की बात करें यार, डिसेंट सा स्पेस मिला है, छोटा सा है बट कूल नहीं है, विच इज अ माइनस फॉर मी। वैनिटी मिरर्स की बात करें तो जस्ट कम्स विद वैनिटी मिरर बट नो लाइटिंग, लाइटिंग जो है हमें यहाँ पे ऑफर हो रही है, और ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर है जो प्रोवाइड हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVMs है, विच इज अ प्लस फॉर मी, सो दैट इज अ वेरी गुड जॉब डन। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है जो वो देखने को मिल जाता है, एंड आइए देखते हैं अब इसकी सनरूफ। तो वन टच यहाँ पे सनरूफ जो है वो खुल जा रही है। इट टेक्स अ लिटिल लॉन्ग फॉर द सनरूफ टू ओपन, generally it should be faster than this at least, so चलो इसे बंद कर देते हैं। बट ये काफी ब्रॉड खुली है, the sunroof is very broad, आपके निकलने के लिए नहीं है गाइस, सनरूफ से मत निकलना, मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ सनरूफ से प्लीज मत निकलना, बच्चों को तो डेफिनेटली मत निकालना। यहाँ पे हमें लाइटिंग के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर और एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है,
और स्टीयरिंग की अब जब बात करें तो यहाँ पे हमें जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, किया की बैजिंग के संग में ये ब्यूटीफुल सी स्टीयरिंग जो है जो बहुत अच्छी ग्रिप हमें ऑफर कर रही है, जो डी कट में आती है वो हमें मिल जा रही है। यहाँ पे जीटी लाइन की बैजिंग जो है वो भी देखने को मिल जा रही है। जीटी लाइन की बैजिंग बहुत जगह दी गई है गाइस, जब मैं इसका ड्राइव रिव्यू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर और भी जीटी लाइन की बैजिंग हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे हमें एक 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है, एक यूएसबी और एक टाइप सी का हमें यहाँ पर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। I don't know what this is. अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा, बट हे वेट अ सेकंड, मेरी तो नजर भी नहीं पड़ी। यहाँ पर आपका जो वायरलेस चार्जिंग पैड जो है, माउस कह रहा हूं, फोन का, वो यहाँ पे मिल रहा है। I mean, it's quite... Let me just try it out for you guys. I mean, यहाँ पे अगर मैं इसे रखूं, wait a second. There you go. Starts taking charge and you know what, in a way I think it's a good thing because mere nazar mein ye phone aa hi nahi raha hai to distract hone ka to koi scene hi nahi hai. That is a very very thoughtful way of providing it over here. Space ka bahut acha utilization kiya gaya hai, at the same time thoda safety bhi diya gaya hai. Safety ki baat kare guys, isme ADAS level 2 aa jata hai jisme lane keep, lane departure, a forward collision warning, aapki 6 airbags ka pura hame yahan pe setup mil jata hai, front and rear dono ke dono jo hai wo disc brake mein aa jata hai. सारे के सारे 5 पैसेंजर्स के लिए हमें सीट बेल्ट जो है वो ऑफर हो जाती है, एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है वो भी हमें ऑफर हो जाती है। सो ये तो था इसके इंटीरियर्स के बारे में गाइस, चलो फाइनली देख लेते हैं कि इसकी इंजन में हमें क्या ऑफर होता है। ओह मैन यार, बॉडी तो इसी से बना लो सुबह में एवरीडे। काफी भारी सा इसका बॉनेट जो है वो हमें मिल रहा है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कुछ रबर का भी इस्तेमाल किया गया है जो वाटर गाड़ी के अंदर वाटर इंजन बे में जाने से जो रोकेगा। CRDI 16 वॉल्व इंजन जो पुराने वाले सेल्टोस में भी आती थी वही वाला यूज किया गया है, 1500 CC का, जो ऑसम पावर जनरेट करता है। स्क्रीन के सामने में मैं आपको पावर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बता दे रहा हूँ, मैक्स पावर इसका, मैक्स पावर टॉर्क कितनी है सब कुछ मैं कवर कर दे रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने में। सॉरी आई डेंट हैव इट राइटिंग विथ मी और इन माई माइंड, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलना चाहूँगा। चलो आओ इसे बंद करते हैं एंड देयर वी गो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये वीडियो लंबी हो गई है तो मैं इसको दूसरे में कवर कर लूं, या तो मैं वो कर लेने वाला हूं या तो इसी वीडियो में बता दूंगा। जस्ट इन केस अगर नहीं भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ एक लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।